हे गाइस, आरपी कार्प्लस के एक और ब्रांड वीडियो में आप सभी लोग को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, आज आप लोग को एक ऐसी सेडान, मिड साइज सेडान दिखाने वाला हूं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा नई गाड़ियों में बिकती है और उसकी सेकंड हैंड में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जो रेट आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। और पुरानी गाड़ी ही मिलती है आप लोग को 14-15 का, लेकिन आज आप लोग को दिखाने वाला हूं 2020 का मॉडल, वो भी पेट्रोल एडिशन जो आ रहा है अपना सेकंड टॉप वाला। पहले तो गाड़ी आप लोगों ने गैस कर ली होंगे, गाड़ी होने वाली है डिज़ायर, मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी, और ये 2020 का मॉडल होने वाला है। चली भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको जो डिस्काउंट मिलने वाला है नई गाड़ी के मुताबिक वो आपको 3-4 लाख का मिलने वाला है, क्योंकि नई गाड़ी काफ़ी महंगी आती है। और अभी तो जो BS6 के नॉर्म्स है उसमें आपके रेट हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, लेकिन आपका भाई आपको अच्छी गाड़ी दिखाता है। और ये गाड़ी होने वाली है ट्रू वैल्यू अशोर्ड, क्योंकि ये गाड़ी पूरी चेक होकर आई है, आपको कोई भी इसमें मैकेनिकल इशू वर्क वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। गाड़ी प्रॉपर सर्विस होकर आई तो आपको 10,000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त बात नहीं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, आपका भाई ऐसे ही न्यू और सेकंड गाड़ी की वीडियो लेके आपके लिए आता रहता है। और इंस्टाग्राम में अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि 30,000 में अपना Q&A होने वाला है, आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं और इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपके भाई आपके सारे जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये होने वाली है अपनी मारुति सुजुकी डिज़ायर 2020 रजिस्टर्ड मॉडल। ये होने वाली है इसकी की सेंट्रल लॉकिंग वगैरह इसमें आपको प्रॉपर मिल जाती है, और ये VXI वेरिएंट है और चली हुई है 84,000 किलोमीटर। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में, आप देख सकते हैं गाड़ी की, आपको वॉक अराउंड दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार कंडीशन में है। कोई भी आपको एक्सीडेंटल गाड़ी है इसमें आपको नहीं मिलने वाली है, प्रॉपर सर्विस होकर आई है कंपनी में। और ये ट्रू वैल्यू का जो अपना ऑफिशियल बाजार है वहाँ पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी आपको मिलती है वो प्रॉपर चेक होकर आती है। कंपनी के जो भी चेक होते हैं 370 वो इसमें होते हैं, उसके बाद आती है गाड़ी के टायर आपको मिलने वाले ना है, क्योंकि 70-80 चलाने के बाद कंपनी ने इसके टायर चेंज करवा दिया है। गाड़ी आपको दिखने वाली है इस कंडीशन में। बात करूँ इसके बूट स्पेस की, क्योंकि डिज़ायर का जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, तो इसका बूट स्पेस एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। पहले करना पड़ेगा इसको अनलॉक, ये हो गया इसका बूट ओपन। तो कुछ इतना स्पेस आपको मिलने वाला है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको स्टेपनी का टायर भी नीचे मिल जाएगा। अरे यार, स्टेपनी रखी नहीं है। तो कुछ इतना बूट स्पेस आपको मिलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉपर टूल किट वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, और गाड़ी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, कोई भी आपको एक्सीडेंटल नहीं मिलेगी। अब दिखाता हूँ आपको इसका बोनट कि बोनट इंजन कंडीशन कैसी होने वाली है। तो करता हूँ इसका बोनट ओपन। बहुत दिनों से आप लोग डिज़ायर की डिमांड कर रहे थे, इसलिए आज आपका भाई लेके आ गया है डिज़ायर। तो कुछ ऐसी कंडीशन में आपको इसका इंजन मिलने वाला है। पिलर एप्रोन दोनों बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। और कभी भी आप गाड़ी चेक करते हैं तो ये जो लाइन आती है ये आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, और इसके जो ये पिलर्स होते हैं इसे चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कैसे आप लोग सेकेंड हैंड गाड़ी चेक करें उसके बाद खरीदें। बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कंडीशन में, और बोनट में आपको इसलिए भी दिखाता हूँ ताकि आप लोग अपनी फ़ोन में ही डील ग्रैब कर सकें। टायर दिखाऊँ आपको तो टायर की कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अभी काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं, गाड़ी प्रॉपर सर्विस हुई है तो आपको उसकी भी दिक्कत नहीं है। अब लेके चलूँगा आपको अंदर, एक बार इसके किलोमीटर आपको दिखाता हूँ कि कितनी भी गाड़ी चली हुई है। स्टीयरिंग की तो तो 84,000 गाड़ी चली हुई है। गाड़ी का जो म्यूज़िक प्लेयर है वो भी बहुत अच्छा है, और एसी जो है वो ठीक है। मारुति के एसी बहुत अच्छे आते हैं, आप लोगों ने पहले भी देखे हैं कि बहुत जल्दी चेल करती थी, और आज मौसम भी इतना गर्म नहीं है तो मुझे ज़्यादा फ़र्क समझ नहीं आया। एक मिनट, इसका एक बार आपको वो सुनाता हूँ मैं कितना होने वाला है। तो गाड़ी का जो म्यूज़िक प्लेयर है वो काफ़ी अच्छा है। इस तरफ भी देखेंगे तो आपको चारों पावर विंडो और ये ऑटोमेटिक ORBM भी आपको यहीं से मिल जाएगा। बेसिकली ये मैनुअल है, लेकिन आप लोग इसे यहीं से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, और सेंट्रल लॉकिंग चाइल्ड लॉकिंग के फीचर भी इसमें आपको मिल जाएंगे। बाकी यार नीचे देखेंगे तो आपको 2 USB पावर सॉकेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये इसके AC कंट्रोल है, AC इसका मैनुअल है, ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलता है इसमें। जिसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें भी आपको शायद मैनुअल ही मिलता है, तो ये चीज़ें तो बेसिक हैं इसमें। बाकी यार स्पेस की बात करूँ तो डिज़ायर अपनी जानी जाती है कंफर्टेबल के लिए। देख सकते हैं काफ़ी लंबे चौड़े व्यक्ति को मैंने बैठाया हूँ बाजू में, तो काफ़ी आराम से बैठा हुआ है। पीछे की जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये लोग जो टैक्सी में लेते हैं उनके लिए भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसका जो एवरेज है पेट्रोल होने के बाद भी है 20+ का एवरेज आपको सिटी वगैरह में निकाल के दे देती है। हाईवे में जाएंगे तो हो सकता है और भी मिले, और कुछ कुछ ड्राइविंग में भी डिपेंड करता है कि अगर आप लोग काफ़ी हार्ड ड्राइविंग करते हैं तो आपको पेट्रोल में जो एवरेज है थोड़ा कम ही मिलता है। बाकी अगर इसके प्राइस की बात करते हैं
दोस्तों बात करूँ इसके प्राइस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की डिटेल बता देता हूँ। ये होने वाला है शो मोटर ट्रू वैल्यू कार बाजार ऑफिशियल मारुति का जो ट्रू वैल्यू अशॉर्ट व्हीकल आती है, वो होने वाला है। वो जो इसकी लोकेशन होने वाली, वो होने वाली है मदन महल रोड। और जो इसकी पिछली वीडियो जो मैंने वरना बनाया था, वो भी यहीं की बनाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वरना आप लोग के लिए सिर्फ 4 लाख में लेके आया था। बात करूँ इस गाड़ी की, जो इसका प्राइस होने वाला है, वो होने वाला है 6.5 लाख रुपये। नई गाड़ी अगर आप ले जाएंगे तो 8.5 लाख के आसपास आपको ये मिलती है। आपको पूरा 2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, और यही नहीं, इसमें आपको और भी नेगोशिएबल हो जाएगा। गाड़ी होने वाली है 2020 का मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग 2019 की है, रजिस्ट्रेशन 2020 का है, क्योंकि ये गाड़ी कंपनी की थी इसलिए जब रखी हुई थी तो 1 साल बाद रजिस्टर्ड हुई। तो 2020 का मॉडल आपको मिलने वाला है। गाड़ी में आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जरूरत मिलने वाला है। गाड़ी चली हुई है 84,000 किलोमीटर, लेकिन पूरे सर्विस रिकॉर्ड से चली हुई है, और आपको प्रॉपर सर्विस होकर मिलने वाली है। तो आपको 10,000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं कराना पाया, जैसे मैंने आपको बताया। तो यार ऐसे ही वीडियो के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।